नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में आने वाले दूधतलई पर्यटन स्थल पर एक वृद्ध व्यक्ति के डूबने की सूचना मिलने पर लोगों का तांता तालाब के किनारे किनारे हो गया। वहीं मिली सूचना के आधार पर संबंधित थाना अधिकारी को सूचना दी गई, जिस पर स्वयं थाना अधिकारी और मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे और पहुंचने के साथ ही उन्होंने नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम को सूचित किया, जिस पर नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 2 बजे व्यक्ति के डूबने की बात सामने आई थी। उसके बाद करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा एक मशक्कत करने के बाद पानी में डूबे व्यक्ति को बाहर निकाला गया और पुलिस को सुपुर्द किया गया, जहां पर से पुलिस ने संबंधित मृत व्यक्ति के शव को महाणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। बताया जा रहा है कि दूधतलई पे नहाते वक्त एक अज्ञात व्यक्ति डूब गया था। उसकी सूचना पर उप नियंत्रक महोदय नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की नीलम लखारा के आदेश पर तत्काल रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया। टीम मौके पर पहुंच करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत कर शव को ढूंढ निकाला और शव की पहचान जवाहर नगर निवासी, उम्र करीब 55 वर्ष बताई जा रही है और वेद प्रकाश कोटिया, जाति सिंधी, लवली कार डेकोर के रूप में हुई है। टीम में वाहन चालक मुकेश सेन, गोताखोर विपुल चौधरी, धर्म सिंह गुर्जर, प्रकाश राठौर, जगदीश डांगी, प्रद्युमन सिंह एवं बोट ऑपरेटर कैलाश मेनाजिया मौजूद रहे। घटना में मुकेश सेन की अहम भूमिका रही।